शिक्षकों के लिए सोशल मीडिया पर एक न्यूज़ को काफ़ी तेज़ी के साथ वायरल किया जा रहा है कि पटना में 24 जून तक स्कूल बंद करने के आदेश दिए गए हैं। बट ये जो न्यूज़ है, हमने जब इसकी पड़ताल की और यहाँ पर सच्चाई जानने का प्रयास किया तो हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिला, आपके भी देखकर होश उड़ जाएंगे। ये न्यूज़ 11 मंथ पहले की है, यानी कि 11 महीने पुरानी न्यूज़ है, जिसे आप स्क्रीन पर लाइव देख पा रहे होंगे। पटना में 24 जून तक बंद रहेंगे स्कूल। ये 11 महीने पुरानी न्यूज़ को वायरल किया जा रहा है किस तरीके से। आप देख सकते हो कि बिहार में बढ़ाई गई गर्मियों की छुट्टियां, ये 11 महीने पहले की जो न्यूज़ है उसकी स्क्रीनशॉट यहां पर वायरल किए जा रहे हैं। देख सकते होंगे जब हमने यूट्यूब पर इसे सर्च किया तो ये देख सकते होंगे 11 महीने पहले की ये जो न्यूज़ है, 24 जून तक स्कूल बंद भीषण गर्मी के कारण, ये जो न्यूज़ है इसे वायरल किया जा रहा है, ठीक है। और फर्स्ट वाली वीडियो को जब हमने यहाँ पर ओपन किया, ठीक है, ये पूरी जो वीडियो है इसे डाउनलोड करके जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये जो न्यूज़ है ये आपको देखने के लिए मिल जाएगी। जो स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे हैं वो इसी वीडियो के हैं और ये 11 महीने पुरानी वीडियो है। तो कृपया करके कोई भी शिक्षक या छात्र इस वीडियो को वायरल ना करे, ये पुरानी वीडियो है, ये पुरानी वीडियो है, ये गलत तरीके से इसे प्रसारित ना करें, ठीक है। पटना में 24 जून तक स्कूल बंद नहीं हुए हैं, ये 2023 की वीडियो है, यानी कि 2023 की न्यूज है जिसे आप प्रसारित किया जा रहा है। तो कोई भी शिक्षक इस भ्रम में ना रहे कि पटना में स्कूल बंद हुए हैं और पटना में कोई स्कूल बंद नहीं हुआ है। यही स्क्रीनशॉट वायरल किए जा रहे हैं जिसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इन स्क्रीनशॉट को वायरल किया जा रहा है जिसकी स्क्रीन पर देख सकते होंगे। तो पटना में कोई भी स्कूल बंद नहीं हुआ है, सारे स्कूल उसी तरह अनुरूप खुल रहे हैं जिसके आदेश दिए गए हैं SES के थ्रू। तो अभी इस न्यूज़ को आप प्रसारित ना करें, ये पुरानी न्यूज़ है। और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि इधर शिक्षकों को भी इस बारे में पता चल सके कि ये पुरानी न्यूज़ है और इसका करंट यानी कि वर्तमान से कोई भी लेना देना नहीं है। इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इस पुरानी न्यूज़ को बिल्कुल भी प्रसारित ना करें, ना फैलाएं। मिलते हुए एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू सो मच।